और फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे यहाँ पर आपका PET का मॉडल टेस्ट पेपर आपका सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि डेली क्लास होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका नहीं जा पाता है, तो आप लोग टाइम से जुड़ जाया करें 3 बजे, ठीक है ना। अगर आपके अंदर जुनून है और आपको पहली बार में PET क्वालिफाई करना है, तो आपको भाई मेहनत तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ आ रही है तो क्लियर कर दीजिए, हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है पहला नंबर, कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो चलिए, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर। यहाँ पर ये संगीतज्ञ के रूप के कौन थे, तो तानसेन जी, हम बोलते हैं मियाँ तानसेन। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। चलिए बताइएगा कि किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था, मतलब युद्ध आपका प्रारंभ हो चुका था। चलिए, 2 नंबर में काफी लोगों ने प्रयास किया है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, आपके औरंगजेब के समय में, ठीक है। औरंगजेब ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। मराठा साम्राज्य अगर पूछे संस्थापक, तो क्या बताएंगे आप लोग, शिवाजी बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो चलिए, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन जो किया वो किसने किया था। तो 3 का ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा टफ आपको लग रहा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नरोजी, जो कि लगभग जवाब यहाँ पर आ चुका है, दादा भाई नरोजी ऑप्शन आपका बन जाएगा। कौन सा, यहाँ पर आपका ए आपका राइट हो जाएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। चलिए, 4 का सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 4 का जवाब देना है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था, का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अजमेर इसका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दिया है देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। चलिए, देव नाम प्रिय जो दिया गया किसे दिया गया था। चलिए, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 5 नंबर में। चलिए, 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका अशोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशोक, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में यहाँ पर देखिए एक स्थापना की गई थी, ये स्थापना की गई थी किसकी, तो आपके रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1917 का जो सत्याग्रह, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ये आपके कहाँ पर हुआ था, 7 नंबर में, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके चंपारण में, क्या हो जाएगा, चंपारण में। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आपका था, ठीक है ना, जो कि देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोही था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी कामा लेखक और शिक्षा विधि के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की। तो देखो, यहाँ पर आपके के एम मुंशी थे, इन्होंने भी एक संगठन की स्थापना किया था, और इस संगठन का नाम क्या है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, भारतीय विद्या भवन, क्या ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारतीय विद्या भवन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि पंचशील का नारा किससे संबंधित है। चलिए, पंचशील का नारा किससे संबंधित है। चलिए, 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका पंचशील का नारा जो संबंधित है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, चलिए ऑप्शन आपका सी आ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो देखिए, यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, महाड़ सत्याग्रह, और ये जो आरंभ किया किसने आरंभ किया था। चलिए, 10 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर, तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ऑप्शन सी बनेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर बनेगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये इन्होंने स्टार्ट किया था, और आपके कब, तो आपके 1927 में, डेट पूछे तो 20 मार्च, ठीक है, डेट अगर पूछे तो आपको 20 मार्च आपका है, ठीक है। ये महाराष्ट्र राज्य के रायपुर जिले के महाड़ स्थान पर है, ठीक है, रायपुर जिले के महाड़ स्थान पर आपका है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब, चलिए यहाँ पर आपका 11 नंबर में जवाब दे रहा है, 11 नंबर में, तो
तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, सूडान दिया है, बेनिन दिया है, घाना दिया है, लेकिन बुल्गारिया, बुल्गारिया जो आपका एक ऐसा है, ये एक आपकी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी क्या है, सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है। हमने यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके में बताया भी है बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो आपका सोफिया है। इसके पूर्व में आपका काला सागर भी स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है। चलिए 12 नंबर में, तो ये आपके वर्षा मेघ को, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, वर्षा मेघ आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्रीन विच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितने आगे है, ग्रीन विच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है। चलिए 13 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, 5.5 घंटा, क्या 5.5 घंटा, ऑप्शन आपका यहाँ बन जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, तो देखो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, 14 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, ठीक है ना। और तटीय सीमा की पूछता है, तो तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, तो तटीय सीमा है 7,716.6, 7,716.6, ये आपकी कैसी है, तटीय सीमा की आपकी लंबाई है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यहाँ पर 15 नंबर में कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे भी रहे हैं, चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि काफी लोग यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमने सोचा कि कुछ महान लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका आंसर सही देते हैं, उन लोगों के आंसर देख कर कन्फ्यूज आज हम भी हो गए थे, है ना। तो चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ पर 15 नंबर में आपका जवाब क्या बन जाएगा, 15 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ये नंबर अन्नामुड़ी, क्या हो जाएगा, अन्नामुड़ी, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका दिया पश्चिमी घाट, ठीक है ना, अन्नामलाई पहाड़ी है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ये जो आपका दिया है ये आपका पूर्वी घाट में पड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, तो आपके पूर्वी घाट में पड़ता है, तो आपका ये जो आपका मिलेगा पूर्वी घाट में मिलेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है, क्या कह रहा है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का जो वार्षिक कारोबार होता है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर 16 नंबर में बनेगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका 25 करोड़, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 25 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, चलिए 17 का जवाब देना है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, चलिए 17 का जवाब देना है 17 नंबर में, तो 17 का नंबर जवाब बनेगा आपका बी, आपके 1948 में कब शुरू किया गया था, तो 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य यही था कि किसानों को कृषि के आधुनिक जो आपकी तकनीकी है और बीजों का प्रयोग करके प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन सकता है 18 नंबर में, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 25 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 18 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, और इसका जो आपका राइट आंसर बनने वाला है वो आपका बन जाएगा सी, 25 आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आयात निर्यात, देख सकते हैं कि एक बैंक है एक्जिम बैंक, है ना, तो आयात निर्यात बैंक समझिए, या इसे हम बोल लेते हैं एक्जिम बैंक, इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब स्थापित हुआ था, चलिए 19 नंबर में, तो ये स्थापित हुई थी ऑप्शन आपका बी 1982 में, कब 1982 में आपका हुआ था, देखो एक अधिनियम आया था 1981 अधिनियम, उसके तहत आपका एक ऐसे नहीं आया, और जो स्थापना हुई वो आपकी 1982 में हुई थी, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पूर्ण जो स्वामित्व है किसके पास है, इसका पूर्ण स्वामित्व है भारत सरकार के पास है, ठीक है, इसका पूर्ण स्वामित्व जो आपका है वो किसके पास है, तो भारत सरकार के पास आपका है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपका कब हुआ था, यहाँ पर आपका जवाब है वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कितने बैंकों का, तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर, कह रहा है 6 हुआ है, तो चलिए यहाँ पर वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो यहाँ पर कह रहे हैं आपका 3 होगा, कुछ लोग 6 दे रहे हैं, कुछ लोग आपके 8 दे रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर बताना है सही जवाब इसमें देना है, तो 20 को ऑप्शन सी, चलिए 6 बैंक दे रहे हैं, तो
यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, छह बैंक आपका हो जाएगा, छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, यहां पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो देखो राज्यसभा की बात किया है तो राज्यसभा में क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, यहां पर आपका 1/3 आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है वो आपकी कितनी है, 17 है, 19 है, 15 है या 12 है। तो ये बिल्कुल ईजी है, तो आप लोग तो जवाब दे ही दोगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत अर्थात अधिकतम जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए 23 का जवाब क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो 23 को ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपकी 552 है ना, ये आपके अगले कह सकते हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य आपके कौन से हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 जो राज्य हैं वो आपके कहाँ पर हैं, 24 नंबर में। तो सबसे पहले आपके राजस्थान में हुआ था, फिर इसके बाद आपके कहाँ पर, तो आपके आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर, तो जवाब आपका सी हो जाएगा, राजस्थान और आपका आंध्र प्रदेश, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। चलिए यहाँ पर बताइएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन, चलिए यहाँ पर बताइएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो यहाँ पर 25 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ये संसद दिया गया है भाई, कह रहे हैं ए नंबर या सी नंबर, राष्ट्रपति। चलिए राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका 26 नंबर में क्या करता है, तो ये होता है आपकी प्लीहा को कौन, तो आपका रक्त आयतन करता है। हमने आपको बताया था कि जो ह्यूमन स्प्लीम है तो पेट के ऊपरी हिस्से में आपका एक लसका प्रभावी आपका होता है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, मतलब हीरा और ग्रेफाइट में मेन चीज़ समानता किस चीज़ की है, समानता किसकी देखने को मिलती है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के क्या हैं, अपर रूप हैं, दोनों ये क्या है कार्बन के क्या है, अपर रूप हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो समानता है वो आपके परमाणु भार की है, किसकी है परमाणु भार की। आप काफी लोग जवाब यहाँ पर तुक्का ये दे देंगे बी नंबर। तो ये बताइएगा कि हीरा की क्या संरचना ग्रेफाइट से मिल सकती है, क्या हीरे की संरचना क्या क्रिस्टली संरचना बन सकती है, नहीं बन सकती है ना, इसकी हीरा क्या आपकी संरचना ही अलग होती है, तो क्या ग्रेफाइट की भी हीरे जैसी हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी परमाणु भार। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नींबू में एसिड पाया जाता है, जो नींबू होता है उसमें एसिड जो पाया जाता है एक कैसा एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका 28 नंबर में बनेगा सी, आपका साइट्रिक एसिड होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। साइट्रिक एसिड आपके जैसे दुर्बल कार्बनिक आपका अम्ल होता है, नींबू संतरा है ना, अन्य जो खट्टे फल होते हैं जिनको आप लोग खा सकते हो, एक ऐसे होते हैं दुर्बल होते हैं मतलब बहुत ही कमजोर होते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो कहाँ खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना। वहीं पर जो आपका दिया लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो आपके दूध में पाया जाता है, ठीक है ना। और टार्ट्रिक पाया जाता है इमली में, ठीक है, टार्ट्रिक किस में पाया जाता है इमली में पाया जाता है, और मैलिक किस में पाया जाता है ये बताइएगा। चलिए कोई बताएगा कि मैलिक एसिड किस में मिलता है, मैलिक एसिड आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो बताइए, अगर पढ़ा है तो बताइए जल्दी से कि मैलिक एसिड जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, एप्पल में पाया जाता है, मतलब आपके किस में, तो आपके सेब में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। बताइएगा कि किसका जो टेम्परेचर होता है आपका अधिकतम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन है, काठ कोयला दिया है, प्राकृतिक गैस और आपके गैसोलिन। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 29 का ऑप्शन ये, हाइड्रोजन का तापक्रम जो होता है अधिकतम होता है, यह वायु तथा ऑक्सीजन में जलता है ना, वायु में हो ऑक्सीजन में जलता तो आपके है ही है, और ज्वाला कैसी होती है रंगहीन होती है, ठीक है रंगहीन होती है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका मैथ क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना हो जाए 49, तो अंतिम 6 का औसत कितना है 12, तो छठा परिणाम आपसे यहाँ पर पूछा गया, छठा परिणाम ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं और एक लॉन्ग ट्रिक से होती है जो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए तो एक आपके यहाँ पर देखिए 11 परिणामों का औसत कितना है, तो आपका 50 है, ठीक है ना। इसे अगर समझ लेंगे तो हो सकता है बहुत आसानी से कर सकते हैं।
फिर दिया गया है 6 परिणामों का औसत कितना दिया है, यहाँ पर 49 दिया है ना। अब ये बताइए 50 से 49 कितना कम है, माइनस एक कम है ना, माइनस एक कम है, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 6 का, तो कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर दिया गया है 6 का जो दिया गया परिणाम कितना है, 52 दिया गया है। अब ये बताइए 50 से 52 कितना है, 2 आपका ज्यादा है, कितना, 2 भी कैसा है, प्लस में है, तो यहाँ पर 2 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये है माइनस का 6, ये है आपका प्लस का 6, तो कितना आएगा, 6 आएगा। टोटल आपका परिणाम कितना था, 50, 50 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये आप आसानी से कर सकते हैं, गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको गुणा भाग करना है तो आपको क्या करेंगे करना है, तो भाई इसको गुणा कर लीजिए, है ना, और इसके बाद इसको गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो ये छोटा है और बड़ा है, एक को यहाँ पर गुणा करेंगे, इन दोनों गुणों को जोड़ दीजिए और इसमें से क्या घटा दीजिए। तो आसानी से ये तो सरल विधि होती है, 11 गुणे 50 करेंगे ये निकल कर आएगा, फिर आपके 6 गुणे 49 करेंगे तो वो निकल कर आएगा, 6 गुणे यहाँ पर कह सकते हैं 52 करेंगे तो निकल कर आएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा और इससे क्या कर दिए, घटा दीजिएगा, तो आप कर सकते हैं। पहला वाला जो आपका तरीका था वो आपका सरल था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एक दिया है, एक माली 17,956 पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पेड़ों को उतनी पंक्ति है जितने की पंक्ति में पेड़ है, इस पंक्ति में पेड़ों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो देखो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, हम आपको बता दें कि इसमें करना क्या है। इसमें आपको सिर्फ कह सकते हैं कि इसके पूरे का आप ले लीजिए वर्गमूल, ठीक है, इसका आप वर्गमूल ले लीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा। 17,956 का वर्गमूल लोगे तो आपका 134 इसका आंसर निकल आएगा, बस आपको वर्गमूल लेना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ऑडिटोरियम ए की तुलना, ए की बैठने की क्षमता ऑडिटोरियम बी की तुलना में 150 अधिक है, ऑडिटोरियम ए की तुलना में ऑडिटोरियम बी की बैठने की क्षमता कितने प्रतिशत कम है। तो देखो यहां पर मान लीजिए आपका ए है ना, यहां पर क्या है आपका बी है, यहाँ पर आपसे किया गया पूछा गया क्षमता कितनी है, तो देखो यहाँ पर बी की तुलना में कितना है, 150 अधिक है ना, तो इसको आप कितना मान लीजिए, यहाँ पर 150 इसका मतलब 150 इसे मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी तुलना किया है तो 150 ऊपर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि बी की बैठने की क्षमता, और यहाँ पर आप 250 कर लीजिए गुणे 100 कर दीजिएगा, तो निकल कर आपका यहाँ पर आएगा 60% करीब आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, 60% आपका इसका निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से 1 सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग आपको बताना है ना। अब इसमें से क्या होगा, तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि 1 घंटे में क्या होता है, सेकंड में दर्शाना है ना, सेकंड में दर्शाना है, इसका मतलब 1 घंटे को आपको सेकंड में ले जाएंगे तो 60 गुणे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 1 सेकंड में निकालना है, तो 1 सेकंड बटे कितना करेंगे, 60 गुणे 60 कर देंगे, बस इसको भाग दे दीजिएगा और निकल कर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है 75 3 82, इसको 33 से विभाजित करना है, तो बस आपको क्या करना है, इसको भाग ही देना है, कैसे, यहाँ पर आपका 75 आपका दिया है, 3 और आपका 82, ठीक है, अब इसमें से आपको 33 का भाग देना है और भाग देते रहिए, आपको आंसर निकल कर आएगा। तरीका हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम मैथ के टीचर नहीं है। और बताइए अंधे नगरी के लेखक कौन है, चलिए 36 का जवाब दीजिए, अंधे नगरी के जो आपके लेखक हैं आपके कौन है 36 नंबर में, तो 36 को ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, समष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, समष्टि का विलोम होता है बेस्ट होता है, क्या होता है बेस्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निमिष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निमिष का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है, तो 38 नंबर में क्या बन जाएगा, निमिष शब्द का पर्याय दिया है, और देखिए निमिष के पर्यायवाची में यहाँ पर आपका होता है जैसे क्षण और पल, है ना, क्षण पल, और आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा क्षण, ठीक है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कपड़ा कैसा है, आँख कैसी है, मतलब आपको 39 का ऑप्शन कौन सा बन गया सी, यहाँ पर जो आँख है वो कैसी है, तो आपकी स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संध्या और रात्रि के बीच का जो समय उसे क्या कहते हैं, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय उसे क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर बोलते हैं गोधूल, क्या होता है गोधूल, मतलब क्या होता है जब सूर्य डूब जाता है ना, सूर्य क्या होता है छिप जाता है, तब क्या होता है जानवरों को लेकर आते हैं शाम को ना चराने के बाद, बोलते हैं ना गोधूल, तो ऐसे आपको रेट लेना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा एन। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी लेखक हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 11 का ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर कर्ण सिंह। याद रखिए काफ़ी जो बुक है काफ़ी चर्चा में रही है और ये लिखी गई है डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा, ये लिखी गई है पूर्व, ये आपके पूर्व सांसद रह चुके हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसने महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 जारी की थी,
चलिए, किसने महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 जारी किया? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक ने किया है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्ष 2023 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आपका है 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर ओडिशा, क्या हो जाएगा, ओडिशा राज्य है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस RBI गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग का 2023 का वर्ष का गवर्नर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है, मतलब 2023 का जो आपका गवर्नर पुरस्कार है ना सेंट्रल बैंकिंग का, तो ये जो मिला है किसे मिला है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, शक्तिकांत दास, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर, क्या, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैश्विक मोटा अनाज श्री अन्न सम्मेलन आयोजित किया गया था, चलिए 15 के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वैश्विक मोटा अनाज जिसे श्री अन्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो आपकी नई दिल्ली इसका ऑप्शन बनेगा, आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल मोहद अल हिंदी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक युद्ध अभ्यास है अल मोहद अल हिंदी, और ये किया जाता है किसके साथ, ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सऊदी अरब, क्या हो जाएगा सऊदी अरब के साथ, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में तमिल उपन्यास पुक्किझी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है, इसके लेखक कौन है, चलिए पुक्किझी ये आपका कह सकते हो उपन्यास है और ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 नंबर का, ऑप्शन सी पेरुमल मुरुगन, पेरुमल मुरुगन है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बस होली चित्रकारी को भौगोलिक संकेत अर्थात जो आपका जीआई टैग है वो दिया गया है, तो बस होली चित्रकारी यहाँ पर जो आपका आंसर राइट हो जाएगा, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, जम्मू कश्मीर है, इसका आंसर हो जाएगा, बस होली चित्रकारी जम्मू कश्मीर की है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में जारी फोर्स 2023 अरबपतियों की सूची के अनुसार सबसे धनी भारतीय कौन से हैं, हर साल दोस्तों ये रिपोर्ट आपकी निकलती है, हर बार आपका परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, 2023 में अरबपतियों की सूची में सबसे धनी कौन से हैं, तो आपके मुकेश अंबानी हैं दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस टीम के, मतलब जो मुंबई इंडियंस टीम है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक लिखी है, यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है, तो आपका हो जाएगा पीयूष बाबेल, क्या हो जाएगा पीयूष बाबेल, इसका जो आंसर है नंबर राइट हो जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि वन स्कूल वन IAS योजना, मतलब इस सरकार ने क्या किया है कि IAS की जो आपकी कोचिंग है वो आपकी फ्री कर दिया है ना, क्या फ्री कर दिया है, और ये है आपका कौन सा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका केरल है, ठीक है केरल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कह रहा है किस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बेन रूनी ने संन्यास लिया है, ये बेन रूनी जो आपके हैं संन्यास लिया है आपके हैं कहाँ के, तो आपके इंग्लैंड के हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। और जैसे इन्होंने यहाँ पर इस पद से यहाँ पर संन्यास दिया है इन्हें मैनेजर का पद दे दिया गया, याद रखिए संन्यास लेने के जस्ट बाद इन्हें मैनेजर का पद दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता है कि अभी हाल ही में मनाया गया, तो आपका क्या, तो ऑप्शन सी 11 जुलाई है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक कह सकते हैं कि इसी दिन ये भी कहा कि दो बच्चे ही पैदा करें, इससे ज़्यादा करते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, सरकारी नौकरी में यहाँ पर कह सकते हैं कुछ नहीं मिलेगा है ना, और अगर एक बच्चा पढ़ता है, याद रखिए इन्होंने दो ऑप्शन निकाले हैं कि अगर दो बच्चे हैं तो कुछ उनको लाभ मिलेगा, अगर एक ही बच्चा आपके पास है तो 20 साल की उम्र तक फ्री शिक्षा उसे दी जाएगी, ये घोषणा किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि UNO ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो अभी अभी आपने पढ़ा 11 जुलाई और 11 जुलाई जैसे आ गया है तो वही क्वेश्चन आपका है, तो क्या हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है,
द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, 73 नंबर में। तो 73 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये है फरीदा जकारिया हैं। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा, आपका यहाँ पर देखिए 73 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीदा जकारिया हैं द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए बताइएगा प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसका भी जवाब आप लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी, आपकी 6 है ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं 4। चलिए, उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, ये शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघटकारी महिला नृत्य सिर पर एक लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो इस भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है ना, क्या नाम है इसका, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, चरकुला नृत्य है। क्या है, चरकुला नृत्य है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, ये भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब जीतने वाली जो आपकी विजेता है वो आपकी कौन है। तो चलिए यहाँ पर 76 का जवाब क्या हो जाएगा, ये पहली महिला ओलंपिक खिताब जीती थी जो कि कांस्य पदक जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी है ना, कर्णम मल्लेश्वरी थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कह सकते हैं कि 69 kg में इन्होंने कह सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजस्थान की एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत तथा GI टैग जीता है, यह गुड़िया निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान की एक गुड़िया है जिसे GI टैग दिया गया है और नाम क्या है, कठपुतली गुड़िया, इसका डायरेक्ट नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा सी, कठपुतली गुड़िया है जिसे GI टैग आपका दिया गया है, ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कुड़वा एक लुप्त प्राय द्राविड़ भाषा है और दक्षिण के कुड़ुगु जिले की मूल भाषा है। तो देखो यहाँ पर कुड़वा क्या है, एक भाषा है, ठीक है, कुड़वा क्या है, ये एक भाषा है। और आपके यहाँ पर 78 का जो जवाब बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, केरल के चावल की उस किस्म का नाम बताइए जिसे GI टैग आपको मिला है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है केरल के GI टैग है ना, और केरल के इस GI टैग का नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका भी हो जाएगा नवारा, नवारा जो आपका किस्म है ये कहा जाता है वहीं का आपका ये है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका भी हो जाएगा नवारा चावल को GI टैग दिया गया है जो कि केरल का एक स्थानीय चावल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, कह रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, 80 नंबर में। तो 80 नंबर में क्या बन सकता है यहाँ पर, तो 80 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, आपका जवाब ए नंबर आपके रामपुर में है, कहाँ पर है, रामपुर में है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है आपका क्या है, तो गद्यांश दिया गया है, बारिश के महीने की बात है, धूप छाई वगैरह वगैरह आपका दिया गया है, तो इसे पढ़िएगा और आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका अगला जो आपका गद्यांश है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं, क्योंकि अगला गद्यांश आपका गद्यांश नहीं है, ये सिर्फ देखने को गद्यांश है लेकिन इसे व्याकरण से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखो हम यहाँ पर गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं और आप लोग यहाँ पर बिना पढ़े ही आपकी इस गद्यांश को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि अभिलाषा का पर्याय नहीं है, ये सब गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, मतलब देखा जाए तो आपके सिलेबस में बोला है कि ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन गद्यांश में कहीं उपसर्ग कहीं पर्यायवाची कहीं कुछ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर अभिलाषा का मतलब होता क्या है, अभिलाषा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया मनोरथ दिया है, आकांक्षा दिया है, लालसा दिया है और आपका दंप दिया गया है। तो यहाँ पर नहीं शब्द आपको पूछा था, क्या नहीं शब्द दिया है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने जवाब जो दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर डी हो जाएगा दंभ, क्या दंभ। अब काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, क्या यहाँ पर बी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दिया गया है नहीं दिया है। अब आप लोगों ने सही से ध्यान नहीं दिया है तो अब हम बताओ क्या करें, है ना, यहाँ पर दिया है अभिलाषा का पर्याय नहीं है तो मनोरथ होता है, यहाँ पर लालसा भी तो होता है, यहाँ पर आकांक्षा भी तो होता है, अब किसको जवाब दोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी दंभ, ये आपका अभिलाषा का नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, तो जड़ का विलोम होता है चेतन, क्या होता है चेतन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अपमान में उपसर्ग क्या है, तो अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 नंबर में, तो 48 का ऑप्शन क्या बन सकता है यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, आपका अपमान में जो उपसर्ग है क्या हो जाएगा, अपमान में उपसर्ग पूछा गया है ना,
उपसर्ग, तो आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहे अनुशासन में उपसर्ग कौन सा है, अनुशासन में, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो 49 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी डी हो जाएगा, अनु हो जाएगा। और अगला यहाँ पर जो आपका दिया गया था पद्यांश में, तो भैया हम पद्यांश में बिल्कुल से नहीं पढ़े हैं, तो इसका जवाब हम लोग दे नहीं सकते। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को।